गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बंदा आके मुझे बाहर आवाज दे रहा था। ये क्या हो रहा है? वो बंदा खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आदमी को सुकून नहीं है जब तक मेरे घर आ जाता हो। ठीक है, क्या हो गया, क्या काम है? ओ भाई, हेलो, कहाँ जा रहे? गजब बेइज्जती है। आप देख सकते हैं इनका कोई और काम वाम नहीं है। जब भी इनका सामने घर है, सामने वाला घर उन्हीं का व्हाइट रेड है जो है। तो ये लाइक भाई है हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी आए मुझे लेने के लिए, बाहर जाना है इनके साथ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, मिलते हैं आपसे फिर। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ नीचे और जा रहा हूँ बाहर। लाइक भाई जो है बाहर खड़े हुए, देखते हैं कि ये क्या करते हैं। वो रहे उधर खड़े हुए, आइए इनके पास चलते हैं, सब पूछते हैं कि क्या करने आए और कहाँ लेके जा रहे हैं। लाइक भाई बताओ सबको, कहाँ लेके जा रहे हो तुम? लाइक भाई सबको बताओ, सब तुम्हारी कल एक मीम फेमस थी, मैंने शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। अरे दिखा दो ना, मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अच्छा लग रहा भाई, अच्छा लग रहा। कहाँ जाना है वैसे? घूमना। कहाँ जाना है? घूमने फिरने जा रहे हैं, देखते कहाँ लेके जाए। चिकन पे बनाऊंगा यार। तो ये हैं गाइस हमारे इम्तियाज भाई चिकन वाले। क्या हो गया, फेमस हो जाओगे? नहीं, बताओ बताओ। मैं फेमस हो गया, बताओ रेट क्या है चिकन के हवाले से? चिकन तो खत्म हो गई। चिकन खत्म हो गई ना? आप क्या बेच रहे हो वैसे? बकरा बेच रहे हो? मुर्गी के अंडे? अंडा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। तो ये मुर्गी के अंडे बना रहे हो? आप देख रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? आप देख रहे हो, आप मुर्गी के अंडे लेने आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो अंडे कट रहे हैं, अंडे कट रहे हैं। हाँ ये देखे, और ये फर्टाइल अंडे, सारे अंडे मिलेंगे, देसी अंडे भी है। ये आदमी मुर्गी के अंडे भी बेचते हैं और चिकन भी बेचते हैं। देसी चिकन भी है हमारे, देसी चिकन। चिकन भी होते हैं के पास। आप देसी चिकन का? इम्तियाज भाई शॉप नंबर बता दो। और क्या है सामने मार्ट है? कौन सलवा मार्ट के बिल्कुल सामने। ईद मनाने के लिए आ रहे हैं कैमरामैन कामिल हुसैन साथ चांद नवाब। आ जाओ, मेरा सेल लगा दी, सेल लगा भाई। लाइक भाई ने बोल दिया सेल लगा दी, तो आप आए यहाँ पर और यहाँ पर आके इम्तियाज भाई की मुर्गी खा। हम बाहर से सामान लेके आ चुके हैं। लाइक भाई गए थे क्या लेने? लाइक भाई चिकन लेने गए थे। चिकन भी लेने जा रहे हैं, मुझे लेने जा रहे हैं। इतना नमूना सा बच्चा है ये अपने घर का, शरीफ बच्चा। दिखाओ शक्ल, दिखाओ शरीफ। मासूम, मासूम, मासूमियत छलक रही होती है इनके चेहरे पर। तो अभी जो मेरा काम है वो कौन करवाएगा? मैं नहीं बताऊंगा। तो हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मेरा काम कौन करवाएगा? कौन सा काम भाई? बेटा मेरे भी काम है दो तीन घर के, जो आप साथ में करवाओगे। अभी जाना है, सिलेंडर गैस भरवाना है। मसाला नहीं है कोई, बस ऑल फुल बात आते तुम्हें सारे। गैस सिलेंडर भरवाने जाएंगे अभी हम, लाइक भाई हमारे साथ जाएंगे, लाइक भाई को लेके जाएंगे। उसके बाद बातिल की बाइक का जंप सही करवाना है, वो जंप भी सही करवाना है। सारा काम आपसे मिलकर करवाना है, समझ रहे हो? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, गुड हो गया, गुड हो गया। तो चलते फिर हम जा रहे हैं। फाइनली भाई रमजान का चांद निकल चुका है। आप सबको मेरी तरफ से रमजान का चांद मुबारक हो, बहुत बहुत। और हमारे पास आए हैं कौन? ध्यान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाइयों और उनकी बहनों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो कर दिया आप सबको मेरी तरफ से। रमजान का चांद बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस महीने के सदके आप सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक दे और इंसान का बच्चा बनाए। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है इशा का, हम सब जा रहे हैं अभी मस्जिद तरावी के लिए। तरावी शुरू हो चुकी है, तो तरावी पढ़ना मस्त है क्योंकि साल में एक ही दफ़ा ये मौका मिलता है। तो आप लोग भी पढ़ें, हम लोग भी पढ़ते हैं। अभी जा रहे हैं घर, कपड़े चेंज करूंगा मैं, नहाऊंगा, तो चलते हैं अभी हम मस्जिद। तो भाई हम जा रहे हैं अभी तरावी पढ़ने, आपसे फिर बात करते हैं। तो भाई तरावी वरावी पढ़ के लंबे फाइव उसके हम सारे देखे माशा सुन्नी बच्चे बन चुके हैं हम लोग। ये हमारे वासिम भाई, वासिम भाई, वासिम भाई, नबील भाई। इज्जत ही नहीं है मेरी तो कोई, गजब इज्जत है यार। पढ़ी पूरी आपने?
पूरी पड़ी भाई। कितनी होती है सर आपकी? 20 निकात। चलो शुक्र। और बेटा में कितनी निकात होती है? 3 निकात। वो चलो भाई, पता है पता है, इसके तो पता है इनको। चलो अच्छी बात है, ये देखे इनके हलता नहीं क्या, ये लोग रमजानों में भी सुकून नहीं है इनको। ये हमारे वासिल भाई, ये लोग ये देखे ये वही होते हैं जो मस्जिद में घूमते थे। लाइक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लाइक भाई, रमजान मुबारक। खैर मुबारक भाई। देखो मैं सलाम कर रहा हूँ मैं यार, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। सुनाए क्या हाल चाल है आपके? तारी पूरी पड़ी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो 10 रिकात के बाद भाग गए थे। मैं नहीं, हम लोग वहीं थे। क्या अबे पूरी नमाज पढ़ी है बेटा, मैं देख रहा था कहाँ तुम खड़े हुए थे। मैं दयान और वासिल। वासिल नहीं मैं खुद बता, पूरी नमाज पढ़ी 10 रिकात के बाद बाहर भाग गए थे। ये मेरे साथ था पीछे वाली रखा था ना, एक मस्जिद में 10 रिकात के बाद। और इस बंदे के बारे में क्या बताएंगे जो मस्जिद भी पैदल नहीं सकता बाइक पे आया? क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह पाक इन ऐसे लोगों को हिदायत दे। क्यों भाई, बिल्कुल हिदायत दे ना। मैं बाजार रहा नहीं तो भाई इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में क्या किया है? हाँ ये बैठ में सबसे ब्लॉग बंद कर दिया साले ने, सुकून नहीं है। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, इनका चलता रहेगा। तो इस ब्लॉग को करें अल्लाह हाफिज़। लाइक करना, शेयर करना, नहीं भूलना। चैनल को जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़।